वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरु जी। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने आपके 10th के साइंस पार्ट 2 में कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स के भी वीडियोस डाले हैं और साइंस पार्ट 1 का भी वीडियो डाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आप किताबों यानी कि बुक के साथ आप तैयार हो जाइए और बुक में हम जो पेज नंबर बताते हैं पेज नंबर के हिसाब से जो टेक्स्ट आपको बताते हैं वो आप रिड्यूस करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। चलिए पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो उसमें आ जाइए सब में नीचे पेज नंबर 1 पर। यहाँ से दिस इज कॉर्ड से लेकर ट्रांसक्रिप्शन तक का पार्ट आप जो है रिमूव कर दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। पेज नंबर 2 पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पेज नंबर आप 3 पर आ जाइए, पेज नंबर 3 पर 3.5 बिलियन ईयर से लेकर नीचे तक का पैराग्राफ और उसके साथ आप पीक इनटू हिस्ट्री ये वाला टेबल आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। चलिए पेज नंबर 4 पर कैन यू टेल वाला और यूज ऑफ आईसीटी वाला, इसको हमने येलो कलर के पेन से हाईलाइट किया है, इस वजह से आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस। चलिए पेज नंबर 5 के ऊपर यूज ऑफ आईसीटी आप रिड्यूस कर दीजिए। आ जाइए पेज नंबर 6 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हमें नहीं पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। पेज नंबर 8 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट और यहाँ पर दो साइंटिस्ट है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है और उसके बाद जो है जेम्स बेप्टाइस लेमार्क है। और उसके बाद तीसरी चीज जो है इंटरनेट इज माय फ्रेंड, पेज नंबर 8 पर। ये तीन चीजें आपको जो है टिक कर लेना है। अब उसके बाद आ जाएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर, ये जो फिगर नंबर 1.12 है जर्नी ऑफ ह्यूमन, ये आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 10 के ऊपर, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। पेज नंबर 11 पर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पेज नंबर 12 पर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सॉरी, पेज नंबर 12 के ऊपर यूज योर ब्रेन और कैन यू रिकॉल, ये दो चीजें आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर ऑब्जर्व और उसके बाद कैन यू टेल वाला पार्ट, ये आप रिड्यूस कर दीजिए। 13 पर रिड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद आ जाए पेज नंबर 14 पर एटीपी वाला रिड्यूस हो चुका है। एटीपी वाला टेबल जो आपको दिख रहा है वो रिड्यूस हो चुका है। पेज नंबर 14 के बाद आ जाए पेज नंबर 15 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये वाला रिड्यूस हो गया है। फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पर आ जाइए कैन यू टेल और उसके बाद जो है ऑलवेज रिमेम्बर, ये वाला टेबल आप रिड्यूस कर दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जो है पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पेज नंबर 16 के बाद आ जाइए पेज नंबर 17 पर आप यूज योर ब्रेन और उसके बाद कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट इज माई फ्रेंड और उसके बाद कैन यू टेल वाला पोर्शन आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 18 पर कैन यू रिकॉल वाला ये रिड्यूस हो गया है, यानी कि आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 18 के बाद आ जाइए पेज नंबर 19 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। पेज नंबर 20 के ऊपर देखिए ट्राई दिस और यूज योर ब्रेन पावर, ये रिड्यूस हो गया। उसके बाद सब में नीचे यूज ऑफ आईसीटी और बुक्स आर माई फ्रेंड, ये चार चीजें आप रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 21 के ऊपर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। पेज नंबर 22 के ऊपर कैन यू रिकॉल, ये वाला 1, 2, 3 पॉइंट्स जो है आप रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 22 के बाद पेज नंबर 23 के ऊपर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 24 के ऊपर देखो वेन एवर से स्टार्ट कीजिए और इनटू न्यू साइकॉन पर खत्म कीजिए, इतना वाला पैराग्राफ रिड्यूस कर दीजिए। पेज नंबर 24 के बाद 25 के ऊपर ट्राई दिस स्पोर फॉर्मेशन, ये वाला पैराग्राफ रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद 26 के ऊपर लेट्स थिंक और उसके बाद जो है 27 के ऊपर मेनी फ्लावर से स्टार्ट कीजिए और हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई पर ख़त्म कीजिए, यानी कि ये वाला पोर्शन जो हम बता रहे हैं जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 27 पर ही डू यू नो और यूज ऑफ आईसीटी। अब इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 28 पर ट्राई दिस, ये वाला पोर्शन रिड्यूस हो गया है। उसके बाद 29 के ऊपर सरप्राइजिंग फैक्ट्स, ये रिमूव हो गया है। पेज नंबर 29 के बाद पेज नंबर 30 पर डू यू नो वाला और उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ बर्थ,
ये वाला पोर्शन, यानी कि तकरीबन आधे से ज़्यादा पेज, 75% पेज रिड्यूस हो गया है। अब उसके बाद पेज नंबर 30 के बाद 31 पर कैन यू टेल वाला पोर्शन, ये रिड्यूस हो गया है। 31 के बाद आ जाइए पेज नंबर 32 पर, 32 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 32 के बाद आइए 33, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये वाला। और फिर उसके बाद 34 पर आप देखिए पहला पैराग्राफ और फिर डू यू नो वाला पोर्शन, ये रिड्यूस हो गया है। फिर 34 के बाद आ जाइए 35 पर, 35 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 36 पर कैन यू रिकॉल और थिंक एंड आंसर वाला, ये जो वाला पोर्शन है ये रिमूव हो गया है। 36 के बाद आ जाइए 37 पर, यहाँ पर कंप्लीट द चार्ट है, ये पूरा का पूरा चार्ट रिड्यूस हो गया है। अब उसके बाद 37 के बाद आ जाइए पेज नंबर 38 पर, कैन यू रिकॉल और दूसरा जो है ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन, ये वाला टेबल रिड्यूस हो गया है। 38 के बाद आ जाइए पेज नंबर 39 पर, कंप्लीट द चार्ट, ये पूरा पूरा टेबल रिड्यूस हो गया है। इस चार्ट को आप जो है टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद 40 के ऊपर डू यू नो वाला पोर्शन रिड्यूस हो गया है। और उसके बाद 40 के ऊपर अ पीक इनटू द हिस्ट्री, ये वाला पैराग्राफ। और उसके बाद कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट रिड्यूस हो गया है। पेज नंबर 40 के बाद आ जाइए पेज नंबर 41 पर, 41 पर आप देखेंगे डू यू नो और लेट्स डिस्कस, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ऑलवेज रिमेम्बर, यानी कि ये चार चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। 41 के बाद आ जाइए पेज नंबर 42 के ऊपर, सब में लास्ट वाला पैराग्राफ है, देयर शुड बी पॉजिटिव से लेकर दैट रोल तक का। और उसके बाद 42 के बाद आ जाइए 43 पर, 43 पर हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, और उसके बाद वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद वाला जो ये टेबल है ये रिड्यूस हो गया है 43 पर। 43 के बाद आ जाइए 44 पर, थिंक एंड आंसर, ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है। 44 के बाद आ जाइए 45 पर, रिकॉल अ लिटल, ये वाला पोर्शन। उसके बाद 45 पर डू यू नो, ऑलवेज रिमेम्बर एंड थिंक, ये वाला पोर्शन। उसके बाद 45 के बाद आ जाइए 46 पर, 46 पर एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रिड्यूस कर दीजिए। फिर 46 के बाद आ जाइए 47 पर, कैन यू रिकॉल और मेक अ टेबल, ये दो चीज़ें रिड्यूस कर दीजिए। 47 के बाद आ जाइए 48 पर, 48 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 48 के बाद आ जाइए 49 पर, 49 पर आप देख रहे हैं ये वाला पैराग्राफ, इफ़ यू सी अ थर्मल पावर से लेकर लास्ट तक, फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम तक। और उसके बाद नीचे वाला जो टेबल है यूज ऑफ आईसीटी, ये वाला रिड्यूस हो गया है। 49 के बाद आ जाइए पेज नंबर 50 पर, डू यू नो, डू यू नो वाला पोर्शन, ये रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद पेज नंबर 50 के बाद 51 पर, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये वाला पोर्शन जो है रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद कंपेयर, 51 पर कंपेयर वाला पैराग्राफ भी जो है रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद 52 के ऊपर आ जाइए, 52 पर सम नेचुरल गैस, चलो पेज नंबर 52 के बाद आ जाइए आप पेज नंबर 53 पर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, ये वाला पूरा पैराग्राफ। और उसके बाद जो है ये जो टेबल है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, ये वाला टेबल रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद 53 के बाद आ जाइए 54 पर, 54 पर यूज़ योर ब्रेन पावर, ये वाला हिस्सा रिड्यूस कर दीजिए। 54 के बाद 55 पर डू यू नो वाला टेबल। फिर उसके बाद 55 के बाद आ जाइए 56 पर, 56 पर ये जो फिगर है 5.22 वाली फिगर, और उसके बाद गेट इन्फॉर्मेशन, ये वाला पोर्शन रिड्यूस कीजिए। 56 के बाद आ जाइए 57 पर, 57 ये पूरा का पूरा पेज जो है डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। उसके बाद 57 के बाद आ जाइए आप 58 पर, फाइंड आउट, ये वाला जो है पोर्शन रिड्यूस कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए 59 पर, डू यू नो वाला टेबल रिड्यूस कर दीजिए। 59 के बाद आ जाइए पेज नंबर 59 के बाद आ जाइए पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 60 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर पेज नंबर 61 पर चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन में कैन यू रिकॉल, ये वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए। 61 के बाद आ जाइए पेज नंबर 62 पर, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये वाला पैराग्राफ, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये वाला पैराग्राफ आप रिमूव कर दीजिए। फिर उसके बाद 62 के बाद आ जाइए पेज नंबर 63 पर, 63 पर आप देख रहे हैं लास्ट के दो पैराग्राफ, दिस सिस्टम से लेकर यहाँ पर सेगमेंटेशन ETC तक, ये वाला आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए।
इसके बाद 63 के बाद आ जाइए 64 पर, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये वाला पैराग्राफ आप रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए 65 के ऊपर ऑब्जर्व, उसके बाद बी बॉडी सिमेट्री ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 66 पर बॉडी कैविटी ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दीजिए। और उसके बाद जो है 66 के बाद आ जाइए 67 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 68 पर डू यू नो वाला जो चौखट है वो डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो टेबल है इसको आप रिमूव कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। 68 के बाद आ जाइए 69 पर इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, ये वाला जो है टेबल। उसके बाद जो है गेट इन्फॉर्मेशन, पेज नंबर 69 पर गेट इन्फॉर्मेशन ये वाला। फिर उसके बाद आ जाए 69 के बाद 70 पर लेट्स थिंक वाला टेबल। फिर उसके बाद 70 पर ही सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और बुक्स आर माई फ्रेंड। इसके बाद 70 के बाद आ जाइए पेज नंबर 71 पर डू यू नो वाला टेबल। फिर उसके बाद 71 के बाद आ जाइए 72 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, 73 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 74 पर यूज़ योर ब्रेन पावर ये वाला पोर्शन जो है रिड्यूस कर दीजिए। 74 के बाद आ जाए 75 पर यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक्स आर माई फ्रेंड एंड ऑलवेज रिमेंबर ये वाला पोर्शन आप जो है अंडरलाइन कीजिए। 75 के बाद आ जाइए 76 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। 76 के बाद आ जाइए पेज नंबर 77 पर लास्ट का पैराग्राफ रिमूव कर दीजिए, 30 प्रोसेसेस से लेकर फ्लेवर ऑफ बटर तक। उसके बाद 77 के बाद 78 पर लेट्स थिंक और डू यू नो ये दो चीज़ें रिमूव कीजिए। उसके बाद 79 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर 80 पर, पेज नंबर 80 पर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस ये टेबल रिमूव कर दीजिए। पेज नंबर 81 के ऊपर यूज योर ब्रेन एंड सर्च ये दो चीज़ें रिमूव कीजिए। पेज नंबर 81 के बाद पेज नंबर 82 पर विच डिफरेंट मटेरियल कैन यू टेल वाला पोर्शन रिमूव कीजिए। पेज नंबर 82 के बाद पेज नंबर 83 पर लेट्स थिंक ये तीन पॉइंट्स आप जो है अंडरलाइन कीजिए, ये रिमूव हो चुका है। 83 के बाद आ जाइए पेज नंबर 84 पर कैन यू टेल वाला जो लास्ट का पैराग्राफ है ये वाला पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिए। 84 के बाद आ जाइए 85 पर इंटरनेट इज माई फ्रेंड, और उसके बाद जो है सिर्फ इतना ही यहाँ पर 85 पर। पेज नंबर 85 के बाद पेज नंबर 86 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, 87 पर भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चलिए पेज नंबर 88 पर सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, इसमें कैन यू रिकॉल और ऑब्जर्व ये दो चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। और फिर पेज नंबर 89 के ऊपर पहले दो पैराग्राफ ड्यूरिंग फर्दर से लेकर जो है ऑफ दीज स्टेम सेल तक, फिर उसके बाद यूज़ योर ब्रेन ये पोर्शन रिमूव कर दीजिए। 89 के बाद आ जाइए पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90 पर इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड ये वाला पोर्शन। उसके बाद 91 के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर, उसके बाद रिकॉल ए लिटल ये वाला पोर्शन। 91 के बाद आ जाइए पेज नंबर 92 पर डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया ये वाला पैराग्राफ, ये वाला टेबल। उसके बाद पेज नंबर 92 के बाद पेज नंबर 93 पर यूज़ ऑफ आईसीटी। 93 के बाद आ जाइए पेज नंबर 94 पर डू यू नो ये वाला टेबल। 94 के बाद 95 इंटरनेट माय फ्रेंड, और उसके बाद सी द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी ये वाला टेबल और इंटरनेट माय फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 96 पर क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन ये वाला टेबल रिड्यूस कर दीजिए। 96 के बाद आ जाइए 97 पर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड ये दो चीज़ें आप अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद 97 के बाद आ जाइए पेज नंबर 98 पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। पेज नंबर 99 भी एज इट इज़ है, पेज नंबर 100 भी एज इट इज़ है। 101 पेज नंबर 101 पर ऑब्जर्व एंड डिस्कस ये टेबल पूरा जो है आप अंडरलाइन कीजिए। 101 ये रिड्यूस हो चुका है। 101 के बाद 102 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 103 पर देखिए थिंक ये वाला पोर्शन आप रिड्यूस कर दीजिए। थिंक के बाद जो है 103 पर कंपेयर भी जो है आप
रिड्यूस कीजिए, फिर उसके बाद 103 के बाद 104, रिकॉल अ लिटिल, रिकॉल अ लिटिल में पहला और दूसरा पॉइंट दोनों पॉइंट रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 104 के बाद 105 पर, इंटरनेट माई फ्रेंड, ये साइबर क्राइम, ये पूरा का पूरा पोर्शन आप रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए 105 के बाद 106 पर, डू यू नो वाला, 106 के बाद आ जाइए 107 पर, ऑलवेज रिमेंबर ये वाला टेबल, फिर उसके बाद 107 के बाद आ जाइए 108 पर, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। 109 पर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कैन यू रिकॉल वाला तीन पॉइंट, 1, 2, 3 पॉइंट। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 109 के बाद पेज नंबर 110 पर, लेट्स डिस्कस ये वाला पोर्शन, और उसके बाद 111 के ऊपर 111 पर, लेट्स थिंक ये वाला टेबल, 111 के बाद जो है पेज नंबर 112 पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। पेज नंबर 113 के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये वाला रिड्यूस हो गया है। फिर उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 114 पर, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए 115 के ऊपर, ट्राई दिस, और ये पूरा जो है फ्लो चार्ट ये रिड्यूस हो गया है। उसके बाद गेट इन्फॉर्मेशन ये वाला टेबल रिड्यूस हो गया है। 115 के बाद आ जाइए 116 पर, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, और फिर हु डज वॉट ये वाला टेबल रिड्यूस हो गया है। 116 के बाद आ जाइए पेज नंबर 117 पर, ऑब्जर्व वाला ये पोर्शन रिड्यूस कर दीजिए, और उसके बाद 117 पर ही कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट रिड्यूस कर दीजिए आप। 117 के बाद आ जाइए 118, गेट इन्फॉर्मेशन ये वाला हिस्सा रिड्यूस कीजिए। 118 के बाद आ जाइए पेज नंबर 119 पर, पेज नंबर 119 के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर ये वाला टेबल आप जो है अंडरलाइन कीजिए, रिड्यूस कीजिए। इस तरीके से साइंस पार्ट 2 क्लास 10 के अंदर ये टॉपिक्स कुछ रिड्यूस हो गए थे, इसके बारे में हमने आपको मालूमात दी, और हमारी जो कोशिश है उसको आप जो है उसकी तारीफ कीजिए, और उसके बाद जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो। और हमारा वीडियो आपने लास्ट तक देखा, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।